नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। लंबे इंतजार के बाद शनिवार सुबह शिवराज कैबिनेट का विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सुबह 9:30 बजे राजभवन में एक सादे समारोह में 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। शिवराज कैबिनेट में अब बालकृष्ण पटेल, जालम सिंह पटेल और नारायण सिंह कुशवाहा को जगह दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह शासकीय मॉडल स्कूल टीटी नगर भोपाल में विद्यार्थियों से प्रेरणा संवाद किया। सीएम ने विद्यार्थियों को बेहतर परीक्षा परिणाम देने के लिए प्रेरित किया। साथ ही प्रेरणा संवाद में कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी शामिल हुए। इसके पहले 15 से 30 जनवरी तक सभी जिलों के स्कूलों में प्रेरणा संवाद हो चुका है। राज्य शासन ने भारतीय वन सेवा के 5 अधिकारियों के पदोन्नति और 26 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। मुख्य संरक्षक स्तर के 3 अधिकारियों की अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और उप वन संरक्षक स्तर के 2 अधिकारियों की वन संरक्षक पद पर पदोन्नति की गई है। पदोन्नति के बाद अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशांत जाधव की पदस्थापना प्रतिनियुक्ति पर RVCP नरोहना प्रशासन अकादमी भोपाल में की गई है। प्रदेश की 4,25,000 सहकारी समितियों के भंग संचालक मंडल के अध्यक्ष प्रशासक बनेंगे। इस पर फैसला अगले सप्ताह तक होगा। सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव को अंतिम निर्णय के लिए प्रशासकीय स्वीकृति के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भेज दिया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समितियों के चुनाव अब अगले साल ही होंगे। वर्ष 2012 के अपने आदेश में संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के राहत, पुनर्वास और चिकित्सा से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग पीठ गठित करने का निर्देश दिया है। पहले के आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि इन याचिकाओं की सुनवाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जैनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जैनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।